इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोनपे ऐप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हो। फोनपे ऐप से ट्रेन टिकट बुकिंग करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको ध्यान से देखना है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको अपने फोन में फोनपे ऐप को ओपन करना है। अगर आपका फोनपे ऐप में अकाउंट नहीं बना हुआ है तो इस पर आपको यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो सिंपली आप वीडियोज को देख के अपने फोनपे में अकाउंट बना लेना है। उसके बाद फोनपे ऐप का यूजर इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का होगा। सिंपली आपको नीचे के साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ट्रैवल बुकिंग के सेक्शन में आपको होटल्स, ट्रेन्स, बस, फ्लाइट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे ट्रेन्स का टिकट बुक करना है तो यहाँ पे मैं ट्रेन्स वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। उसके बाद आपको स्टेशन चूज करना है जहाँ से आपको ट्रैवल करना है। सिंपली आपको यहाँ पे स्टेशन का नाम सर्च करना है। उसके बाद स्टेशन का जो कोड होगा पटना जंक्शन PNB यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको जहाँ तक ट्रैवल करना है यहाँ से आपको वो स्टेशन चूज करना है। सिंपली आपको स्टेशन का नाम सर्च करना है। उसके बाद स्टेशन का कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, भागलपुर BJP। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। तो इस तरीके से आपको स्टेशन चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको किस डेट में जर्नी करना है आपको इस डेट को चूज करना है। उसके बाद आपको सर्च ट्रेन्स पर टैप करना है। अब उस डेट में जितने भी ट्रेन्स होंगे यहाँ पे वो आपको सारा लिस्ट हो जाएगा और किस किस ट्रेन्स में क्या सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे आपको वो सारा दिख जाएगा। और जो ट्रेन अगर उस डेट में कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आपको वो स्टेटस भी दिख जाएगा, किस ट्रेन में क्या सीट्स अवेलेबल है। अगर वेटिंग में है तो यहाँ पे आपको वेटिंग भी दिख जाएगा। अगर ट्रेन में सीट्स अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे आपको ग्रीन में दिख जाएगा। तो सिंपली आपको जिस ट्रेन में ट्रैवल करना है आपको यहाँ से वो ट्रेन चूज करना है और ट्रेन का टाइमिंग क्या है आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो सिंपली आपको जिस भी क्लास में ट्रैवल करना है, जैसे अगर स्लीपर में आपको ट्रैवल करना है तो स्लीपर पे आपको टैप करना है। अगर आपको थर्ड AC में ट्रैवल करना है तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है। इसी तरीके से आपको जिस भी क्लास में ट्रैवल करना है आपको यहाँ से चूज करना है। यहाँ जैसे कि 111 सीट्स अवेलेबल है तो सिंपली यहाँ पर आपको बुक पे टैप करना है। यहाँ पे आपको अपना IRCTC का यूजर ID फिल करना है। और अगर अभी तक आपने IRCTC पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो इस पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो सिंपली आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सिंपली आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना IRCTC का यूजर ID फिल करके आपको प्रोसीड पे टैप करना है। यहाँ जैसे कि मेरा बोर्डिंग पॉइंट पटना जंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैसेंजर डिटेल्स फिल करना है। यहाँ आपको जेंडर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एज फिल करना है। बर्थ प्रेफरेंस में आपको कौन सा सीट चाहिए यहाँ से आपको वो चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे विंडो साइड वाला चाहिए। उसके बाद आपको सेव पे टैप कर देना है। अगर एक से ज्यादा पैसेंजर आपको ऐड करना है तो आपको वापस से ऐड एडल्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको पैसेंजर का डिटेल्स फिल करके पैसेंजर ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे के साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस चाहते हो तो यहाँ पे आपको चेक करना है और पर पर्सन आपको यहाँ पे 35 पैसा लगेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो इसे आपको चेक करके रखना है। मुझे यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो सिंपली मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। और कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी को आपको यहाँ पे एग्री करके रखना है। फिर आपको प्रोसीड पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंसिलेशन चार्ज अगर नहीं देना है तो सिंपली आपको नो पे टैप करना है। अगर यहाँ पे आपको अपना IRCTC अकाउंट का पासवर्ड मालूम है तो सिंपली आपको आई रिमेम्बर पासवर्ड पे टैप करना है। फिर आपको अपना IRCTC अकाउंट का पासवर्ड फिल कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज करना है, जैसे कि मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। अगर आप अपने फोन पे अकाउंट में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है तो आपको उस बैंक अकाउंट को चूज करना है जिससे कि आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको पे पे टैप करना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना 6 डिजिट का UPI पिन नंबर फिल करना है। अगर आप अपना यहाँ पे UPI पिन नंबर भूल गए तो इसे कैसे पता किया जाता है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो सिंपली आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। अपना UPI पिन नंबर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना IRCTC अकाउंट का पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पे टैप कर देना है। उसके बाद आपका जो टिकट होगा वो कंफर्म टिकट बुक हो जाएगा। सिंपली आपको टिकट देखने के लिए आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और आपके टिकट का करंट स्टेटस क्या है, जैसे कि कंफर्म टिकट है तो यहाँ पे आपको कंफर्म दिखेगा। कोच आपका कौन सा और सीट कौन सा यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। इस टिकट का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको टिकट ईमेल के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। सिंपली आपको अपना जीमेल ओपन करना है। उसके बाद आपको कंफर्म टिकट की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा जिसमें कि आपका यहाँ पे टिकट रहता है। सिंपली आपको अपने टिकट को डाउनलोड कर लेना है।
उसके बाद आपका टिकट जो होगा पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली अब यहाँ पे अपने टिकट को ओपन करके देख सकते हो। और साथ ही आपको ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम आपको गवर्नमेंट आईडी रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा फोन पे ऐप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे किया जाता है। और अगर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज को डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।